प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। डरता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ न छोड़ूंगा तेरा। आज का संदेश प्रभु के दास परगिस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और शुभ संदेश इस कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आज से हम एक नई विषय के ऊपर थोड़ा समय परमेश्वर के भजन में से मेडिटेशन करना चाहता हूँ। ऐसे इसके लिए हम निकालेंगे भजन संहिता 19 की 7वीं आयत हम पढ़ेंगे। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर की इच्छा है तो हम कुछ समय के लिए भजन संहिता 19 के 7 से 9 तक जो आयत है इसके अंदर से कुछ बात हम विचार करेंगे। इसके अंदर परमेश्वर मनुष्य से जो बात चाहते हैं, यह परमेश्वर मनुष्य के प्रति 5 व्यवस्था दे रखा है, उस विषय के ऊपर हम विचार करेंगे। ये पहली बात हम देखते हैं। ये वो पहली 7वीं आयत के अंदर हम ऐसा पढ़ता है, यहोवा की व्यवस्था करी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। इस विषय के ऊपर हम विचार करेंगे। इधर इस आयतों में 7 से 9 तक जब आयत हम पढ़ता है, उस आयतों के अंदर यहोवा के संबंध में 6 बात हमको दिया हुआ है, यानी कि परमेश्वर मनुष्य के प्रति 6 कार्य चाहते और मनुष्य परमेश्वर का 6 बात करना चाहता है या सुनना चाहता है या मानना चाहता है, ऐसा परमेश्वर चाहते हैं। प्यारे मित्रों, हमारा प्रतिदिन ये दिनों प्रति जो जीवन में सुबह हो शाम, दिन हो रात हो, परमेश्वर का जो ये 6 नियम 6 बात जब हम हमारा जीवन के अंदर हम अमल करता है, हमारे जीवन के अंदर जो हम लागू करता है, तो वह हमारे लिए बहुत आशीष के कारण बन जाता है। हम पहली बात हम देखते हैं, हमने जो पढ़ा है पहले 7वीं आयत के अंदर, पहली बात यहोवा का व्यवस्था। इसका इंग्लिश में यू कहता है कि द लॉ ऑफ द लॉर्ड इज परफेक्ट। यहोवा की व्यवस्था खरी है, ऐसा लिखा हुआ है। द लॉ ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का व्यवस्था या परमेश्वर मनुष्य के लिए जो किया हुआ व्यवस्था, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर व्यवस्था विवरण तक जो 5 किताब के अंदर परमेश्वर मनुष्य को बहुत सारे व्यवस्था दिया हुआ है, द लॉ दिया हुआ है, मतलब परमेश्वर यू चाहते हैं कि परमेश्वर के मनुष्य परमेश्वर किया हुआ या बनाया हुआ व्यवस्था पर या बनाए हुआ लोक के आधार पर चलना है। इसलिए मूसा को परमेश्वर ने खड़ा करके इसराइल लोगों को अगुवाई करवाया, मैं तुम्हें बनाना बनाना काम करना चाहता हूँ, मैं तुमसे ये काम करवाना चाहता हूँ, मैं तुमसे ऐसा चाहता है, वैसा आदेश मूसा को देके परमेश्वर मनुष्य को चलाया।
अभी भी परमेश्वर का वचन के अनुसार परमेश्वर अपनी लो नियम व्यवस्था हमको देख के हमें रोज चलाना चाहते हैं। हमारे व्यक्ति जीवन को चलाना चाहता है, पारिवारिक जीवन को चलाना चाहता है, हमारा विश्वासी जीवन या कलीसिया के जीवन को परमेश्वर ऐसा चलाना चाहते हैं। परमेश्वर हर लोगों से हर काम नहीं चाहता है, लेकिन हमसे परमेश्वर जो काम चाहता है वो करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर यूँ चाहता है कि मेरा और आपका जीवन में परमेश्वर क्या व्यवस्था कर दिया है, क्या लो रखना चाहता है, उस लो के आधार पर हमको चलाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हम एक आयत पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री 3:20 के अंदर हम एक आयत पढ़ेंगे। उधर ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। और व्यवस्था इसलिए परमेश्वर हमको दिया है, या परमेश्वर अपना लो इसलिए हमको बताता है कि हमारी पाप हम पहचान सके। मनुष्य है, मनुष्य का जीवन में गलतियाँ पाप आते हैं, लेकिन परमेश्वर अपना लो क्यों दिया, व्यवस्था क्यों दिया, इसलिए कि उस लो के आधार पर जो काम हमने किया है जो परमेश्वर के दृष्टि में सही नहीं है तो ये पाप ठहराया जाता है, ये पाप कहा जाता है, और इस पाप को हम पहचान सके इसलिए परमेश्वर हमको परमेश्वर का लो दिया हुआ है। हम एक और आयत हम पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री उसकी 7:12 रोमियो 7:12। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। काय के लिए 11 के अंदर लिखा है, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। और ऐसा स्थिति को बचाने के लिए व्यवस्था देना परमेश्वर का काम था और पवित्र है, और इसलिए परमेश्वर ने अपनी आज्ञा भी हमको दिया जो हमारे लिए अच्छी है। और ये जो व्यवस्था हमें आगे कैसे चलाते हैं, हम एक आयत पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसकी 3:24। गलाती 3:24 मतलब ऐसा पढ़ता है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी सूचक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। परमेश्वर अपना व्यवस्था क्यों हमको दिया, इसलिए कि हम मसीह तक पहुंचाने के लिए, हम पापी मनुष्य को परमेश्वर के पास में पहुंचाने के लिए या मसीह तक पहुंचाने के लिए, हमारी शिक्षक बनने के लिए या व्यवस्था परमेश्वर को दिया, इससे हम विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराया गया। देखो परमेश्वर का लो मनुष्य को इसलिए देता है, ये सिद्ध है, परफेक्ट है, पवित्र है और बिल्कुल ही अच्छा है परमेश्वर के सम्मुख में। इसलिए प्यारे प्यारे मित्रों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपनी लो हर एक मनुष्य को दिया है। ये लो को या परमेश्वर हमारे लिए दिया हुआ इस व्यवस्था को समझ करके उस व्यवस्था के आधार पर चढ़कर परमेश्वर की महिमा करे, या हमें हर एक प्राण को अच्छा बनाने के लिए, जो पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं वैसा ही चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करे, मदद करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में अगुवाई करे दी प्रभु की इच्छा हो तो। बाकी 5 विषय के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो।